गाइस नमस्कार, आप सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोगों की हाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। नहीं जाने, इग्नोर द बैकग्राउंड, क्योंकि अभी थोड़ा सा जल्दी में बनाया है। जस्ट अभी कुछ टाइम पहले हनी सिंह का एक गाना आया है जिसमें स्टारिंग है निया शर्मा। हाँ जी, वही एक जिन्होंने स्टार प्लस पे सीरियल्स में काम किया है और बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी हैं। तो हनी सिंह का ये सॉन्ग रिलीज हो चुका है जिसका नाम है सोल। चलो आप और हम मिलके देते हैं इस पे रिएक्शन और इसके बारे में बात करेंगे सॉन्ग के बाद। पहले देखते हैं और रिएक्शन देते हैं अपना। सो आई यू एक्साइटेड? आई एम सुपर एक्साइटेड। लेट्स गेट इन टू दिस वीडियो। निया शर्मा पूरी दुनिया हिलिया जद तक मैं तद तक तू मैं तेरे नाल बस फटे चक तू जद तक मैं तद तक तू तेरे नाल बस फटे चक तू You are my boss girl Life नू toss कर सब हद्दां पार कर सब नू तू cross कर You are my boss girl Life नू toss कर yeah. सब हद्दां पार कर सब नू तू cross कर तेरी कहानी मैं सुनानी कर नू छड़ के आई गल होगी पुरानी हूं तू move on कर baby groove on कर जद भी सवाल को पूछे तू देंदी wrong answer पटारी सुपने दी तू खोल खोल चाहिदा कि तेनू तू मैनू बोल पटारी सुपने दी तू खोल खोल चाहिदा कि तेनू तू मैनू बोल तोड़ लेके आवां चन तेरे लई I know you feel my love कहदे कहदे नहीं ओके यहां से सोल है सोल है हनी पाजी की हो सकती है। एंड यो यो हनी सिंह हमने मिस किया था लास्ट सॉन्ग में या हाँ। सो फाइनली ओके मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बार ये देख लेते हैं कि
ये किसने लिखा है, और म्यूजिक कंपनी तो जी म्यूजिक है, केहानी 3.0, और कंपोजर योयो हनी सिंह, सिंगर योयो हनी सिंह, लिरिसिस्ट योयो हनी सिंह, स्टारिंग योयो हनी सिंह एंड निया। ओ माय गॉड, मैंने बोला था ना कि ये डेटली जो मुझे चाहिए था, जो मैं देखना चाहती थी वो मैंने देख लिया, कि फाइनली लिरिक्स जो है वो हनी पाजी के ही हैं और कंपोजर भी हनी पाजी है। और एक बहुत अच्छा मुझे लगता है, इट्स नॉट ओनली फॉर लेडीज, ये जितने भी लोग हैं ना जो हार जाते हैं लाइफ में, ये उनके लिए इन्होंने बनाया है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं बट सम हाउ कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं मिल रही होती तो वो फेड अप हो जाते हैं कि नहीं अब मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। बट प्रिजर्वेंस बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और अगर इस टाइप के सॉन्ग सुनते हो तो मोटिवेट तो हो ही जाते हो। और हनी पाजी का ये जो तड़का लगाया ना इस गाने ने, किलिंग किलिंग, स्टार्टिंग का जो कुछ फर्स्ट हाफ था तो मुझे थोड़ा सा बोरिंग काइंड ऑफ लग रहा था, मुझे ऐसा लगा कि क्या चल रहा है, मतलब ठीक है। हाँ, से स्टैंजा शुरू हुआ ना, मतलब लाइक पूरी स्टोरी और तो पीछे से जो स्टोरी चल रही थी, जो लिरिक्स वो गा रहे थे, ओ माय गॉड। फिर उसके बाद मुझे आई वाज स्टार्ट लाइकिंग दैट सॉन्ग ना। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। आपने भी मिस किया था जो अभी कल्ला स्टार आया था, उसमें योयो हनी सिंह नहीं था, क्योंकि उनके मुझे लगता है लिरिक्स भी नहीं थे, तो इतना दमदार मुझे नहीं लगा पर्सनली। बट ये वाला गाना, अगर हम मोटिवेशन की बात करें और इंस्पिरेशन की बात करें, और किसी भी फील्ड में कुछ भी एक जो होता है ना कि सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं आजकल, बहुत जल्दी डिप्रेशन एंग्जाइटी में चले जाते हैं, तो इनका कुछ बैकग्राउंड रहा है, इन्होंने बेहतरीन लिरिक्स लिख दिए, और यही बंदा लिख सकता है इस टाइप के लिरिक्स और इस टाइप का म्यूजिक कंपोज कर सकता है। भाई हेड्स ऑफ टू यू हनी पाजी, रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सॉन्ग्स लाइक दिस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा, और आप भी एक्साइटेड हो और इस टाइप के सॉन्ग सुनने के लिए। तो जाते जाते आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।